नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था और वो एग्ज़ाम 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक 7 दिन हुआ था, इन लोगों को जो है अब वे रेलवे पेमेंट वापस कर रहा है, रिफंड कर रहा है एग्ज़ाम फीस जो भी थी। और ये जो है 7 दिन तक एग्ज़ाम चला था, जिसमें 250 और 400 रुपये जिस कैटेगरी में जो आ रहा है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको ये पैसे लेने हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। पूरी जो जानकारी है आपके सामने स्क्रीन पे है। क्योंकि 2 साल हो गया इसको, तो 2 साल में लोगों के अकाउंट नंबर वगैरह चेंज भी हो सकते हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी दोबारा से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फ्रेश डिटेल भरनी है। और ये जो काम है वो 11 अगस्त से 10 बजे से सुबह शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त 2021 तक रात को 12 बजे तक चलेगा। अभी फॉर्म जो है ओपन नहीं हुए, 11 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप ये फॉर्म जो है भरें यदि आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो। और इसकी जो मुख्य बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है और रिफंड जो है उसमें आपका जो भी चार्ज वगैरह लगेगा वो भी इसमें अप्लीकेबल होगा आपके पैसे में से। और यदि आप गलत जानकारी देते हो तो आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा, रिजेक्टेड हो जाएगा आपका क्लेम। और आप जो डिटेल भर रहे हो, यदि आप फाल्स यानी गलत डिटेल है तो बैंक अकाउंट डिटेल वहाँ से वेरीफाई नहीं होगी, उस कंडीशन में पैसा जो है वो रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए सही से डिटेल भरनी है। एक रिमार्क डाल रखा है, ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड, यानी आपने फॉर्म भरते टाइम आपका एक अकाउंट नंबर 2-3 फॉर्मों में यदि आपने दे दिया है तो वो पैसा एक अकाउंट में नहीं मिलेगा। एक अकाउंट के अंदर एक बार ही रिफंड होगा। यदि आपने 2-3 फॉर्म भर रखे हैं या आपके परिवार के अन्य कैंडिडेटों ने दूसरे फॉर्म भर रखे हैं तो प्रत्येक फॉर्म के पीछे प्रत्येक अकाउंट नंबर अलग अलग होना चाहिए, आईएफएससी कोड सभी जानकारी जो है बिल्कुल सही से ही आपको भरनी है, तभी ये मिलेगा। जैसे ही पेमेंट ट्रांसफ़र होगा तो आपके पास एसएमएस आ जाएगा या आपके पास जो भी आपके रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर ईमेल आईडी थी उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है वो 11 अगस्त से सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू 31 अगस्त तक चलेंगे। तो आप ये जो फॉर्म है वो भरिए और सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। सूचना अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।